तो आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और जितने भी कंप्यूटर यूज़र है वो विंडोज़ का यूज़ करते हैं। बट उसी तरफ अगर हम देखें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी है, बट लिनक्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर विंडोज़ का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट ऐसा क्यों लिनक्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है और ज़्यादातर जो यूज़र है वो विंडोज़ का ही क्यों यूज़ करता है, इस वीडियो पर मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ। अगर अभी ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर ले, वहाँ पर भी मैं टेक से रिलेटेड ऐसे छोटा मोटा टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो देखिए, मार्केट पर विंडोज़ इतना ज़्यादा यूज़ होने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, बट इस वीडियो पर मैं आप सभी को चार मेन रीज़न के बारे में बताऊंगी। और ये चार जो मेन रीज़न जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी आप सभी के सामने, तो आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट पर लिनक्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है इतना ज़्यादा। सबसे पहला रीज़न, स्कूल में विंडोज़। यस, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, आपका स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं सभी कंप्यूटर पर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाला हुआ मिल जाएगा, एक भी कंप्यूटर पर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। मेरा जो स्कूल है, मेरे स्कूल में सभी कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, एक भी कंप्यूटर पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कैसे जान पाऊँगा। और हमें छोटे से, जब मैं 5 से शायद कंप्यूटर सीख रही हूँ स्कूल पर, तो 5 से जो है मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वहाँ पर सिखाया जाता है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते करते उसके ऊपर एक लगाव आ जाता है और हम लोग नहीं चाहते कि किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिर से जाने, पहले से कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे सब कुछ किया जाता है, क्योंकि हम लोग तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, विंडोज़ के बारे में जान रहे हैं, और मार्केट पर विंडोज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा है, लिनक्स का इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लिनक्स के बारे में क्यों जानेंगे भाई। ये था सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आपका स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो चुका है, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको एक जॉब लग गया है, आप जिस ऑफिस पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर आपके सामने है उस कंप्यूटर भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो फिर आपका स्टूडेंट लाइफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर गुजर गया। आप जो आपका जो लाइफ है, जो आप जॉब करेंगे, तो जॉब जो करेंगे वहाँ पर जो कंप्यूटर है वो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है, तो फिर आप लिनक्स के बारे में जान के क्या करेंगे, आपको तो विंडोज़ पर काम करना है, तो एक्स्ट्रा आपको प्रेशर क्यों लेना है, क्यों आपको लिनक्स के बारे में जानना है। ये एक सबसे पहला रीज़न, ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, आपको जॉब नहीं लगा है, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब जो ग्राफिक डिज़ाइन आप करेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो है क्लियरली बता देता है कि आप ये ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे एडोब फोटोशॉप पर। अब ये जो एडोब फोटोशॉप है ये विंडोज़ पर सपोर्ट करता है, तो फिर आप लिनक्स के बारे में जान के क्या करेंगे, आपका तो काम विंडोज़ पर ही है। ये था तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न, जो गेमर होता है या फिर गेमर नहीं, जो गेम को डेवलप करता है, गेम डेवलपर जो होता है, तो अभी देखिए जब हम लोग छोटे से विंडोज़ सीख के आ रहे हैं, जब हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंडोज़ सीख के आ रहे हैं छोटे से, अब अगर उसके घर में कंप्यूटर भी होगा तो वो उस कंप्यूटर पर तो विंडोज़ ही डलवाएगा ना, वो थोड़ी लिनक्स डलवाएगा, उसको तो लिनक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो लिनक्स क्यों डलवाएगा, वो विंडोज़ डलवाएगा। अब जो गेम डेवलपर होता है वो ज़्यादातर टारगेट रखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इसीलिए वो जो है गेम भी बनाते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के लिए ही, तो अभी अगर उसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गेम बनाना है तो उसको भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही जानना पड़ेगा, फिर वो लिनक्स जान के क्या करेगा। ये था चौथा रीज़न। तो मार्केट पर इसीलिए विंडोज़ का डिमांड इतना ज़्यादा है, लिनक्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, बट ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं जो विंडोज़ तो सीखते आ रहे हैं नॉर्मली, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट दूसरी तरफ वो लिनक्स को भी सीखते हैं, उसके अंदर एक क्यूरियसिटी है सीखने का, तो इसीलिए वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखते हैं, वो भी कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे सब कुछ उसको पता है। तो ऐसे भी बहुत सारे यूज़र या फिर ऐसे भी बहुत सारे पर्सन है, बट एक नॉर्मल पर्सन जो है वो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख के क्या करेगा, आप मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए।
जब वो स्टूडेंट होता है, जब वो स्टूडेंट रहते हैं, उसको उसके स्कूल में विंडोज़ वाला कंप्यूटर सिखाया जाता है। जब उसको किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब लगता है, तो वहाँ पर भी उसका जो ऑफिस पर ऑफिस का जो भी काम है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर किया जाता है। अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, अगर वो ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहता है, तो उसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, उसको एडोब फोटोशॉप पर उन सारे डिज़ाइन को करना पड़ेगा। अगर वो एक गेम डेवलपर बनना चाहता है, तो उसको विंडोज़ के लिए ही गेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पर अभी लिनक्स इतना ज़्यादा आया नहीं है, मार्केट पर विंडोज़ सबसे ज़्यादा है। तो लिनक्स वो सीख के क्या करेगा, अब मुझे ये सबसे पहले बताइए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आई होप आप सभी का जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि अभी लिनक्स फ्री एंड सिक्योर है, फिर भी इसका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों नहीं है मार्केट पर, मार्केट पर विंडोज़ का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल जो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।